हमेशा मैं हो जाता हूँ फाइट के लिए लेट, लेकिन आज मैं पहुंचूंगा सबसे पहले। कोई भी नहीं पहुंचा है, मुझे पता चला कि सामने एक स्किबिडी ने अटैक किया है। सो चलो अपन ही अकेले पहुंचते हैं और स्किबिडी को सबक सिखाते हैं। इस बार मेरा क्रेडिट कोई भी नहीं ले सकता, ऑलरेडी अपन आ चुके हैं। भाई साहब ये वाली स्किबिडी तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, बट कोई बात नहीं, मैं भी हार नहीं मानूंगा। लेकिन ये है कौन सा स्किबिडी? इसके तो क्लॉ भी है और काफी बड़े बड़े तो मिसाइल लगा हुआ है। अबे स्किबिडी के बच्चे, तू आज मरेगा मेरे हाथों। कमान एक हाथू। अरे भाई मैंने मेरी पूरी ताकत लगाकर इसको मुक्का मारा है, पर इसको कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, ये थोड़ा सा हिला भी नहीं है। अरे आज तू अकेला आया है मरने के लिए? चल ठीक है, मैं तुझे आज बहुत ही भयानक सबक सिखाऊंगा। एले तू। इसने इधर किसी तरह का पिरामिड बना दिया था कि आई धुएं बगैर निकल रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, ये मैं क्या बन चुका हूँ? मैं तो टीवी मैन था, बट इसने मुझे स्किबिडी टॉयलेट बना दिया है। अबे इसकी ऐसी की तैसी। अब तू भी हमारी तरफ बन चुका है स्किबिडी टॉयलेट, बाय बाय। अरे भाई साहब ये तो उड़ के निकले क्या, लेकिन अब मेरा क्या होगा? मैं ऐसे के स्किबिडी टॉयलेट बन के रहूंगा? लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, इसने इधर कुछ किया है शायद। ये क्या चीज है? ओके इधर किसी तरह का ऑर्ब का गोला है और ये चीज काफी अजीब तरह से चमक रहा है। चलो मैं इसको लेता हूँ। इस ऑर्ब को तो मैंने ले लिया है, लेकिन इसका मैं करूँ क्या? इससे कुछ हुआ तो नहीं, मेरा पावर भी नहीं बढ़ा है। ऊपर किसी तरह का मीटर आ चुका है जिसमें कि 60 सेकंड से घट रहा है टाइम। ये टाइमर किस चीज का है? पता नहीं क्या चल रहा है। अरे कैमरामैन आ चुका है। ओए कैमरामैन मुझे एक ऑर्ब मिला है। अरे राव वाले स्किबिडी मारो इसको। अरे भाई साहब एक तो मुझे मार रहा है। ओए कैमरामैन रुक जा। अरे मैं स्किबिडी नहीं हूँ, मैं हूँ टीवी मैन। एक तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, मुझे मार जा रहा है। स्पीकर मैंने क्या ही मारा है, मार के मुझे लेटा दिया है। लेकिन ये टाइमर तो घटते ही जा रहा है। अरे रुक जाओ यार, मैं तुम लोगों की दोस्त हूँ। एक तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। अरे स्किबिडी बोल रहा है मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त स्किबिडी टॉयलेट का भी नहीं हो सकता, मारो इसको। अरे मुझे उड़ने तो दे, ये लोग तो मुझे समझने का मौका भी नहीं दे रहा। ऑलराइट टाइमर घट चुका है। अरे भाई ये क्या हो गया, टाइमर घटते ही मैं बन चुका हूँ कैमरा बॉय। ओए अभी तुम लोगों ने देखा, मैं हूँ तुम लोगों की दोस्त टीवी मैन। लेकिन मुझे एक पावर ऑर्ब की गोला मिला है जिसकी वजह से मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। अब तुम लोग बताओ मैं इसको कैसे रोकूं? अरे हमें कैसे पता होगा तू टीवी मैन है? खैर अभी तेरे पास एक ही ऑप्शन है, तुझे सारे पावर ऑर्ब की गोले को कलेक्ट करना होगा, तब जाके तेरा ट्रांसफॉर्मेशन रुक सकता है। अच्छा ठीक है मैं समझ गया। अरे भाई साहब अभी पावर ऑर्ब की गोला कहाँ पर मिलेगा? सबसे पहले मैं इधर से निकलता हूँ और मेरे पावर भी घट चुका है। चलो एक किसी का गार्ड रखा होता इसी को लेके मैं चलता हूँ, लेट्स गो। दूसरा पावर ऑर्ब की गोला को मैंने ढूंढ लिया है जो कि मेरे सामने ही है, लेकिन उधर काफी सारे स्किबिडी भी है, देख रहे हो? उनको पता नहीं चलना चाहिए, मुझे बिल्कुल छुप छुप के जाना होगा, इनको किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए। अभी तो लोग मुझे देख नहीं सकते। ऑर्ब की गोला कहाँ पर हो सकता है? ओके ओ रहा ऑर्ब का गोला, चलो अपन बायनोकुलर से देख लेते हैं। देख रहे हो ए रहा पावर ऑर्ब का गोला, इधर चमक रहा है। लेकिन मैं उधर तक पहुंच चुका कैसे इतने सारे स्किबिडी के बीच से? कमान कुछ ना कुछ करके मुझे पहुंचना तो होगा ही। सबका मुंह उस तरफ है तो मैं पीछे से जा सकता हूँ। मैं इधर चढ़ के चलता हूँ। ऑलराइट अभी तक किसी को पता नहीं चला, बस मैं इनके पीछे से चलता हूँ। देख रहे हो कितना बेवकूफ है ये लोग, इनके पीछे मैं आ चुका हूँ फिर भी इनको पता नहीं चल रहा। ए रहा पावर ऑफ के गोला, फटाफट से अपन इसको लेते हैं। ओके अपन ने पावर ऑफ की गोले को ले लिया। अरे टाइमर भी खत्म हो चुका है और मैं ट्रांसफॉर्म होके बन चुका हूँ ड्रिल मैन। स्किबिडी स्किबिडी ये कहाँ से आ गया? अरे इसने हमारी पावर ऑफ की गोले को ले लिया है, मारो इसको। अरे यार सच में लोग मुझे मारने लगे, बट अभी मैं बन चुका हूँ ड्रिल मैन, तो चलो देखते मेरे पास कितना कितना पावर है। कमान पावर ड्रिल अटैक। भाई साहब क्या ही खतरनाक वाले अटैक कर दिया मेरे ड्रिल से, क्या ही उड़ा रहा हूँ मैं इनको। अरे एक साथ सब लोग आ जाओ, ये मारा एक साथ दोनों को उड़ा दिया है, तुम्हारी ऐस की देसी है लो, मुझे मारोगे तुम लोग। कमान एक का और तू भी ले, इनको मैं मारे जा रहा हूँ फिर भी ये लोग मुझे गोली मारे जा रहा है। गाइस इनको जल्दी से हराने के लिए आप लोगों की लाइक की जरूरत है, तो फटाफट से कर दो लाइक। और मैं इनको उड़ाता हूँ एक झटके में, सॉलिड ड्रिल बूम। ऑल राइट इस वाली ड्रिल बूम से ये लोग तो क्या काम से, कोई भी नहीं बचाए। सच में सबके सबको मैंने उड़ा दिया है। चलो मैं फटाफट इधर से निकल लेता हूँ, देखते हैं नेक्स्ट वाली पावर ऑफ की गोला है कहाँ पर। और मेरे भागने का स्पीड तो बहुत तेज हो चुका है, मुझे पता चला है नेक्स्ट पावर ऑफ की गोला है पानी के अंदर। सो चलो चल के देखते हैं कहाँ पर हो सकता है। वैसे मेरा टाइमर तो काफी तेजी से घट रहा है। इधर तो मैं आ चुका हूँ और इधर एक काफी बड़ा प्लेन क्रैश होकर रखा है। अरे यार नहीं 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 टाइमर नहीं टाइमर नहीं। अरे यार मैं अभी बन चुका हूँ प्रोजेक्टर मैन। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं फटाक से ढूंढता हूँ ऑर्ब की गोला होगा कहाँ पर। इधर काफी सारे मलबा तो पड़ा हुआ इधर उधर,
लेकिन ऑर्ब की गुलाबी इतना छोटा है, दिखता भी नहीं है, इस प्लेन के अंदर हो सकता है, देख लेता हूँ मैं एक बार। लेट्स गो। नहीं इधर तो कुछ भी नहीं है, उस वाले हिस्से में हो सकता है। ऑल राइट चलो। अरे मैं सही से चल भी नहीं पा रहा पानी के अंदर। अरे दिख जा यार, एक तो पानी के अंदर अपनी दम घुट रहा है, नहीं घुट रहा मतलब प्रोजेक्टर मैन पानी के अंदर सांस ले सकता है, ये तो काफी ऑसम चीज है। छोटे छोटे इतने सारे मलवा है, बट जो चाहिए वो मिल नहीं रहा। अरे भाई इधर शार्क भी है, लेकिन ये शार्क चुपचाप खड़ा है, ये शायद मुझे कुछ नहीं करेगा। ट्रेन के मलबा तो बहुत नीचे तक आया है। ओके ओ रहा ऑर्ब की गोला इधर शायद। अरे भाई साहब ये शार्क कहां से आ गया? कोई भी शार्क मुझे अटैक नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक से एक शार्क का अटैक कर दिया है। अबे तुम्हारी तो, अरे भाई एक पकड़ रहा है एक छोड़ रहा है, क्या करूं मैं तुम्हारी तो, कैसे मारूं इनको? अरे भाई छोड़ दे, कितना मारेगा एक बंदे को, काटी जा रहा है, ऊपर से मेरा टाइमर भी घट रहा है, क्या करूं क्या करूं। अरे इन शार्क के मुंह में मैं चेंज हो चुका हूं, और चेंज होकर मैं बन चुका हूं कैमरा टाइटन, लेकिन ये छोटा वाला। बट मेरे पास कोई पावर है क्या? ऑल राइट कुछ तो हो रहा है। अरे भाई मैं पानी के अंदर से उड़ पा रहा हूँ, सच में काफी खतरनाक वाली पावर हो चुका है। अब शार्क के बच्चे आके दिखा, बहुत हो गया, तुम लोगों ने मुझे बहुत काट लिया है, प्रोजेक्टर मैन से अपनी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुका है, अब तो मैं इनको बहुत ज्यादा पीटूंगा। कमान ये लद्दू क्यों भाई अटैक किया है, क्या जिंदा है? अरे एक तो पानी के अंदर मैं सही से अटैक नहीं कर पा रहा, इनके मुंह में मैं फायरबॉल छोड़ रहा हूँ, फिर भी इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। क्या ऐसा शार्क हो तुम लोग यार, ये कहा? अरे ले तू, अरे मरना, कितना मार खाएगा तेरी, बहुत हो गया, मुझे बहुत ज्यादा काट लिया है। कमान ये ले तू आखिरी वाला अटैक। ऑल राइट इतना तेज ब्लास्ट हुआ है, ये तो गया काम से, बट अपन को भी काफी ज्यादा चोट लगा था, बट कोई नहीं। और इधर भी एक शार्क खड़ा है, लेकिन ये लोग शांत है, वो तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। और ए रहा पावर अप, चलो अपन फटाफट इसको लेते हैं। सो फाइनली मुझे तीसरी पावर अप भी मिल गया, निकलते अपन और चलते हैं चौथी पावर अप के लिए। पावर अप की तलाश में अपन आ चुके सैंडी शोर पर, लेकिन अभी तक मुझे एक भी पावर अप नहीं मिला, चलो देखते कहां पर मिलता है। अरे एक सेकंड रुक जाओ, नीचे शायद मैंने किसी को देखा है, नीचे तो खड़ा है 5 TB वाला टीवी मैन, वो भी एक टेम्पो ट्रैक लेकर, पता नहीं इसके साथ दिक्कत क्या है, चलो मैं इससे पूछ लेता हूँ। ऑल राइट मेरे लैंडिंग से ही हिल चुका है। ओए तू इधर नाले में ऐसे भैन लेके क्या कर रहा है? अरे मैं क्या बताऊँ, कुछ की भी टॉयलेट ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है, मैं भैन लेके आया था उसको छुड़ाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं छुड़ा पाऊंगा, वो लोग बहुत सारे है। अच्छा इसके बेटे को स्किबिडी टॉयलेट ने पकड़ लिया है, इसके पास भी एक पावर ऑफ था, सो शायद मुझे एक पावर ऑफ मिल सकता है। अरे यार मेरे टाइमर घट रहा है। नहीं, अरे अभी तो मैं मेरे खुद के अपग्रेड फॉर्म में आ चुका हूँ, मेका टीवी मैन। अरे ये क्या चल रहा है तेरे साथ, तू ऐसे चेंज कैसे हो गया? अरे उसको मैं तुझे बाद में बताऊंगा। क्या तेरे पास जो पावर ऑफ की गोला है, अगर तू उसको मुझे देता है तो मैं तेरे बेटे को छुड़ा के ला सकता हूँ। अरे मेरे बेटे के लिए मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है मेरे पावर ऑफ की गोला मैं तुझे दूंगा, तू बस मेरे बेटे को छुड़ा के ला। चलो तू इधर वेट कर, मैं देखता हूँ तेरे बेटे है कहाँ पर। सामने ही बार हाउस के अंदर उसने बोला था। ओके काफी बड़ा एक बार हाउस तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक मुझे कभी स्कीबीडी दिखाई नहीं दिया था, बट अभी दिख रहा है। ये लोग तो सामने गन लेके खड़ा है, चलो मैं इस तरफ से चलता हूँ। ऑल राइट और 5 TB वाले टीवी मैन की बेटा, मैं मेरी टीवी विजन से देख सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर स्कीबीडी ने एम करके रखा है, तो मुझे छुप छुप के काम करना होगा, अगर उन लोगों को पता लग गया तो टीवी मैन का बेटा मर सकता है। चलो मैं इधर छुप छुप के चलता हूँ झाड़ों के पीछे से, देख रहे हो सामने की तरफ मुंह करके रखा है। चलो अपन आ चुके इसके पीछे, एक हाथू एक लात से इसको उड़ा दिया है। अब भी और कौन है, इधर 3 है, बट किसी को भी पता नहीं चलेगा, अपन बहुत ही साइलेंटली इनको मारेंगे। कमॉन तू भी ले, चलो इसको उड़ा दिया, और एक पाइप के ऊपर उठ के खड़ा है। अबे तुम लोग टीवी मैन के बेटे को किडनैप करोगे और क्या बचाओगे? और तू भी खा, इसको भी उड़ा दिया, बाकी ये नीचे अकेला बच रहा है, तू क्या बचेगा? नीचे की मैंने सबको मार दिया है, नीचे और कोई भी नहीं है। चलो अभी अपन चलते सीढ़ियों से ऊपर, उसने टीवी मैन की बेटे को एम करके रखा है, उसको पता नहीं चलेगा। अपन आ चुके ऊपर और अभी भी टीवी मैन की बेटे को एम करके रखा है। अरे यार मैं तेरे पीछे आ चुका हूँ, ये लेके ना समझ है, कोई नहीं ले तू और एम करेगा उसको। चलो इसको तो उड़ा दिया। अरे टीवी मैन के बेटे तो डर के मेरे कांप रहा है। ओए बच्चे उठ जा, तेरे डैड ने मुझे भेजा है। तूने हमारे साथ पंगा लिया है, बॉस हमें बचाओ। अबे तो जिसको बुलाना है बुला ले, कोई भी तुझे बचा नहीं सकता, तुम्हारे सब लोगों को मैंने मार दिया है। ओए बच्चे आजा चल नीचे चलते हैं, बच्चे तेरे डैड इधर वेट कर रहा है। अरे भैया कौन आ चुका है, इसके लुक तो बहुत ही अजीब है और उसने मुझे मारना भी स्टार्ट कर दिया है। अरे बच्चे भाग तेरे डैड के पास, अभी मैं समझ गया ये शायद उन स्किबिड का बॉस है। चलो बच्चे तो भाग के जा रहा है। अरे भाग भाग भाग, नहीं तो ये तुझे भी मारेगा, तेरी बहुत हो गया। टीवी मैन की बेटे को हम लोग हमारे साथ करने वाले थे और तूने वो वाली प्लान को फेल कर दिया, तुझे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं भी तुझे मार सकता हूँ, कमॉन। दोनों ही दोनों को लात मारा है। चलो
थोड़ा सा बाहर आ चुके अपन। कोई मुझे गोली मार रहा था क्या? नहीं। अरे भाई ये तो इसको गोली मार रहा है, इसकी बीड़ी को। जल्दी से मार इसको, इसका मतलब ये मेरे साइड है। अरे मोटा तो सबको गोली मार जा रहा है, मुझे भी मार रहा है, इसको भी मार रहा है। चल मर जा इसकी बीड़ी के बच्चे, तुम लोग मुझसे जीत नहीं सकते। चल इसको तो हरा दिया, अब इस मोटे के बारी है। अबे मोटे तू क्या कर रहा है? तू भी खा, इसको भी उड़ा दिया। चलो चलते अपन। अरे यार मेरा टाइमर भी खत्म हो गया और अभी मैं बन चुका हूँ कैमरामैन। यस मेरे तो हाथ में तो कैमरा आ चुका है, हेड में भी कैमरा है, लेकिन मेरे लुक तो बहुत ही खतरनाक है और मैं काफी तेज भाग पा रहा हूँ। इधर कहीं पे था टीवी मैन, कहाँ पर है? ओके ये रहा टीवी मैन, मैंने तेरे बेटे को बचा दिया है, अब तू मुझे पावर ऑफ की गोला दे। मेरे बेटे को बचाने के लिए शुक्रिया, ले तू पावर ऑफ की गोला। सो चलो मेरे पास हो चुका है 4 पावर ऑफ की गोला, लेकिन मुझे और भी कलेक्ट करना होगा। देखते वो सारे कहाँ पर मिलता है। मुझे पता चला है आखिरी पावर ऑफ की गोला है माउंट चिलेट के ऊपर, इसलिए अपन आ चुके इधर। लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, नीचे ये कौन है? अरे भाई ये तो एक स्कीबीडी पुलिस है, ये बाइक लेके भाग रहा है और इसकी बाइक में पावर ऑफ की गोला। अबे इसकी ऐसी की तैसी, भाग तो कहाँ पर है? चलो इधर भी एक बाइक रखा हुआ है, मैं भी बाइक लेके चलता हूँ इसके पीछे, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेट्स गो, भागेगा कहाँ पर? लेट्स गो, अपन जंप कर आ चुके। अभी मैं इसको सामने से जगह पकड़ूंगा। चलो अपन इसको पकड़ लिया है। कहाँ भागता है? क्यों तो इसे भाग रहा है? कम ऑन ए ले तू। अरे लात मारने की कोशिश तो किया लेकिन ये बच के किस तरह? आजा 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 मेरे साइड में आजा एक बार, तेरी ऐसे की तैसे। ए ले तू, चलो इसको मैंने लात मार के फेंक दिया है, बहुत हो गया इसका। और इसकी बाइक के पीछे सुच में पावर ऑफ की गोला। लेट्स गो, अपन इस वाले पावर ऑफ की गोले को भी लेते हैं। फाइनली मेरे पास हो चुके 5 पावर ऑफ की गोला और टाइमर भी खत्म हो गया। इस बार टाइम खत्म होते मैं बन चुका हूँ अपग्रेडेड गोल्डन स्पीकर मैन। ये क्या है? और टाइमर भी ऊपर दिख नहीं रहा। अरे मुझे लगा मैं फिर से नॉर्मल बन जाऊंगा, लेकिन अभी मैं उस क्रॉबर स्कीबीडी के समान हो चुका हूँ, अब तो मैं इसको हरा सकता हूँ। ऑल राइट, मेरे पीछे जेट भी लगा हुआ है। अपन उड़कर आ चुके सिटी के पास वाली एरिया पर। अरे भाई मेरे नीचे से किसी ने मारा है। अरे इसने तो मुझे ही ढूंढ लिया। कम ऑन तू भाई, इसकी ताकत भी कम नहीं है। देख रहा अपन दोनों ही दोनों को मार रहे हैं, हम लोगों के पावर बराबर है लगभग। लेकिन अरे रुक ना, मैं उड़ सकता हूँ क्या? तू उड़ सकता है लेकिन ये ऊंची वाले जंप लगा सकता है। आजा उड़ के दिखा। चल तेरा बहुत हो गया। ले तू मेरे मुक्के से पंगा ले रहा है। अरे हार गया? अरे नहीं उठ के खड़ा हो गया, मुझे लगा हार गया है। हार जा यार, कितना मार खाएगा। फाइनली हार जा। और आखिरकार हार गया आखिरी वाली मुक्के से। अरे हवा में कैसे उड़ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। खैर जो भी हो, इस वाले स्कीबीडी का मैंने काम निपटा दिया है और फिर से मेरे बॉडी के साथ कुछ हो रहा है। भाई साहब फाइनली अपन बन चुके नॉर्मल, कितनी देर के बाद। खैर गाइस आपका आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अपन और भी ऑसम वाली जीडी भाई की वीडियोस लाएंगे। एंड आप लोग कमेंट में जरूर बताओ आपका फेवरेट कौन है, कैमरामैन, टीवी मैन या फिर स्पीकर मैन। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।